लाइव के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जयपुर से मुखर कविता। सिटी लाइव का जो ध्येय वाक्य है, शेयर योर थॉट्स। तो आज हमारे साथ अपना विचार साझा करने के लिए आया है अखिल भारतीय साहित्य परिषद का महानगर इकाई जयपुर। कार्यक्रम आज हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम के आयोजक वही हैं। तो हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, यह पवित्र पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदी अपने देश हिंदुस्तान की पहचान है, यह देश की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। सन 14 सितंबर को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी में लिखे जाने वाली हिंदी भाषा को गणराज्य का राजभाषा घोषित किया। उसी दिन से ये जो हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं हम, तो ये सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों में हिंदी की बढ़ोतरी के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के वातावरण बनाने के उद्देश्य से, हिंदी के प्रति लोगों का को जागरूक करने के उद्देश्य से यह हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और आज हम यहाँ सम्मिलित हुए हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर। वर्तमान में हिंदी के और चर्चा में शामिल विषय विशेषज्ञों से मिलवाने से पहले मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद जयपुर महानगर इकाई के संस्थापक व पूर्व अध्यक्ष श्री मथुरेश नंदन कुलशेष जी को आमंत्रित करती हूँ विषय पर कुछ प्रकाश डालें और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार। इस गोष्ठी में आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वह हिंदी के सामने आज की समस्याएं और उनका समाधान। हिंदी के सामने आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद उस समय तक जो समस्याएं रहीं, आज की समस्याएं उससे अलग हैं। पहले फारसी का प्रश्न भी सामने था, उर्दू का प्रश्न भी सामने था, बंगला का प्रश्न भी सामने था। आज सब इनको कठिनाइयों पार करके आज एकदम दूसरे प्रकार के कठिनाइयाँ हमारे सामने आ गए हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकार का संघर्ष हमारे सामने है। एक, हिंदी के बोलियों को 8वीं सूची में स्थान दिलाने के लिए स्थानीय भाषाओं को भड़काकर उसका अहित किया जा रहा है, यानी स्थानीय बोलियों का काम। दूसरा, हिंदी भाषी क्षेत्र की भाषाएं हिंदी के स्वीकृति के विरोध में अपना स्वर ऊंचा कर रहे हैं। इतनी भी प्रांतीय भाषाएं आज उस रूप में भाषा को हिंदी को नहीं ग्रहण कर रहे हैं जैसे पहले करती थी, और अंग्रेजी का बढ़ता हुआ प्रभाव हिंदी की अपेक्षा बढ़ रहा है। इन सब में हिंदी का जो वास्तविक संघर्ष है वो अंग्रेजी के साथ है। गांधी जी ने अंग्रेजी के प्रभाव को अच्छी तरह समझा था। उन्होंने इसे इतनी गंभीरता से लिया जितना पक्ष हिंदी का लिया गंभीरता से, उससे अधिक गंभीरता से उन्होंने अंग्रेजी के विरोध का पक्ष लिया। इसी तरह से बात राम मनोहर लोहिया की रही। राम मनोहर लोहिया ने भी हिंदी का पक्ष जितने सख्ती से लिया उससे कहीं ज़्यादा अंग्रेजी का विरोध उन्होंने किया। लेकिन हुआ क्या, हुआ यह कि अंग्रेजी तो राजभाषा में समाप्त होने के स्थान पर और ज़्यादा आगे बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि वो रोजगार से जुड़ गई, और रोजगार को जुड़ने के बाद आज स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अंग्रेजी हटाने के स्थान पर यह बात आ रही है कि अंग्रेजी को भारतीय भाषा मान लिया जाए, और विदेशों का आकर्षण, बड़ी रकम और तरह तरह के नौकरी के आकर्षण इसको बढ़ावा दे रहे हैं। होता क्या है कि बचपन से ही हमारे जीवन में अंग्रेजी आ जाती है और हमारे संस्कारों को बदलती है, हमारे मूल्यों को बदलती है। हिंदी के प्रति आज किसी प्रकार का कोई आकर्षण कहीं दिखाई नहीं देता, और अंग्रेजी के साथ ये एक ऐसी लड़ाई है जिसने हिंदी के सामने ही कठिनाई पैदा की। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं
उन सबके सामने चुनौती प्रस्तुत कर दी है। उसका प्रभाव और चुनौती बड़े स्पष्टता के साथ हमारे सामने है। हमें समझ लेना चाहिए कि अंग्रेजी के विरोध को पहले जो जनशक्ति प्राप्त थी आज वो नहीं है। पहले अंग्रेजी का जो विरोध था आज जनता के मन में उस प्रकार का विरोध नहीं है। तो उसने यह भी समझ लेना उचित होगा, यदि यह कोई यह समझता है अंग्रेजी को हम भारत से उखाड़ कर फेंकेंगे तो आज की वैश्विक परिस्थिति में ये संभव नहीं। ऐसा सोचे तो एक जवाब तो अपने होगा, अंग्रेजी अपना काम करते रहेगी, उसके विरोध को अब कोई सुनने वाला नहीं है। हम कितने उसका विरोध करें कोई नहीं सुनता। परंतु इसे हिंदी के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं समझना चाहिए। हिंदी भाषा साहित्य और संस्कृति की गति और प्रगति आज अंग्रेजी की रेखा के ऊपर अपनी एक अपेक्षाकृत अधिक लंबी रेखा खींचने में समर्थ हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह लंबाई बढ़ाती जा रही है। आज प्रश्न ये नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं, यह अपने वर्तमान रूप में व्यावहारिक रूप से राष्ट्रभाषा तो है। शासक इसे राष्ट्रभाषा घोषित करे न करे, आज प्रश्न यह है कि हिंदी अपने अंतरराष्ट्रीय महत्व को स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र की एक भाषा किस प्रकार बन सकती है, अपनी श्रेष्ठता कैसे सिद्ध कर सकती है। विश्व के संदर्भ में यदि हिंदी बोलने वालों की संख्या पर विचार किया जाए तो 2005 के आंकड़े ये बताते हैं कि संसार के 160 देशों में हिंदी बोलने वालों की संख्या 110 करोड़ के लगभग थी। इस वर्ष चीन की भाषा मंदारिन कहलाती है। चीन की भाषा बोलने वालों की संख्या हिंदी बोलने वालों से थोड़ी सी ज्यादा थी। जबकि आज की स्थिति क्या है, विश्व में 206 देशों में 130 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और 120 करोड़ लोग मंदारिन बोलते हैं। बोलने वालों की संख्या के आंकड़े कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस समय हिंदी 130 करोड़ लोग बोलते हैं, मंदारिन 120 करोड़ लोग बोलते हैं, मंदारिन चीन की भाषा। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है 90 करोड़, स्पेशल बोलने वालों की संख्या 51.8 है, 8 करोड़ है। अरबी बोलने वालों की संख्या 22.2 करोड़ है। इंडोनेशियन बोलने वालों की संख्या 24.7 करोड़ है। फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 23.3 करोड़ है। बंगला बोलने वालों की संख्या 22.4 करोड़ है। पुर्तगीज बोलने वालों की संख्या 22.1 करोड़ है। रूसी बोलने वालों की संख्या 20.1 करोड़ है। जर्मन बोलने वालों की संख्या 14.1 करोड़ है। तात्पर्य है कि विश्व में अंग्रेजी बोलने वालों का स्थान तीसरा है, जबकि हिंदी बोलने वालों का स्थान प्रथम है। इसे कह सकते हैं कि प्रतियोगिता चीन की भाषा मंदारिन के साथ है, न कि अंग्रेजी के साथ। एक बात और ध्यान में रखने की, अंग्रेजी का जो प्रभाव बढ़ा है उसका बहुत कुछ कारण ये ब्रिटिश साम्राज्य रहा। आज का जो राजनीतिक वातावरण है वो अलग है। देश के राजनीतिक प्रभाव के साथ साथ भाषा का प्रभाव बढ़ता जाता है। आज इतिहास का संकेत यह है कि 21वीं सदी भारत और चीन की प्रधानता की सदी रहेगी। भारत का विश्व राजनीति में बढ़ता प्रभाव हिंदी के प्रभाव को सहज रूप में बढ़ा सकता है। हमारे प्रयास रहते हों तो हिंदी को बहुत अधिक महत्व मिल सकता है। यद्यपि भाषा और साहित्य के विकास को लेकर शासन पर निर्भर करने का मैं समर्थक नहीं, फिर भी नई शिक्षा नीति की घोषणा ने हिंदी के विषय में कुछ आशाजनक संकेत दिए। नरेंद्र मोदी का नारा एक देश एक भाषा प्रेत युग की समाप्ति और स्थापना के युग की स्थापना कराना है। आज ये राजनीति हिंदी के अनुकूल है, हमें उससे लाभ उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मथुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ जी, आपने बहुत
विस्तार में जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, आज के समय में हिंदी की भाषा जो विश्व पटल पर अपना उपस्थिति दर्ज करा रही है, अन्य भाषाओं के साथ क्या इसका कंपटीशन है या नहीं, विस्तार में जो आपने प्रस्तुत किया है उन सभी के लिए हम आपके धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमें आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। चलिए दोस्तों, आज का जो चर्चा है हम उसको आरंभ करते हैं, और मैं मिलवाना चाहती हूँ आज के विशेषज्ञों से। आज जो हम विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किए हैं उन सबसे मिलवाती हूँ। सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़े हैं इंदु शेखर तत्पुरुष जी, जो चित्तौड़ से आते हैं, और आप एक पत्रिका है संपादक करते हैं, उस पत्रिका की अखिल भारतीय साहित्य परिषद की पत्रिका है परिक्रमा, उसका संपादक परिक्रमा, और आप कवि मन है, कवि हृदय है, और आपकी कविताएं हमने सुनी है, और आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो आपका मंच पे स्वागत है। और हमारे बीच एक वरिष्ठ साहित्यकार जो कि बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, और हम वरिष्ठ कह तो रहे हैं, वरिष्ठ लेखन के श्रेणी में ही कहा जाएगा, क्योंकि आप ऊर्जा से भरपूर हैं, आपकी ऊर्जा देखते हुए हम पीछे पीछे चलते हैं। हमारे बीच बैठे हैं प्रबोध कुमार गोविंद जी, आपका भी मंच पर स्वागत है सर। और मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर संगीता सक्सेना जी का, जो राजभाषा विभाग में BSNL के राजभाषा विभाग में आप कार्यरत हैं, और आपने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया है, आपका भी मंच पर स्वागत है। तो सर्वप्रथम इंदु शेखर सतपुरुष जी, आप बताएं हमें कि विषय हिंदी विषय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, और इस विषय पर किस प्रकार से काम किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अखिल भारतीय साहित्य परिषद जयपुर महानगर के संस्थापक डॉक्टर मथुरेश नंदन जी कुलश्रेष्ठ, इस परिचर्चा में सहभागिता प्रदान कर रहे डॉक्टर प्रबोध गोविल जी, डॉक्टर संगीता जी, साकार श्रीवास्तव जी, और इस संगोष्ठी का मुखरता पूर्वक संयोजन कर रही मुखर कविता जी, और साथ में जिस माध्यम से हम सब यहाँ संवेद हुए हैं और प्रसारित हो रहे हैं सिटी लाइव्स का, पहले मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, आभार कर रहा हूँ। हिंदी दिवस की इस गोष्ठी में डॉक्टर मथुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ जी ने जो विचार हमारे सामने रखे, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। और हिंदी की राजभाषा, हिंदी की जिसे हम राष्ट्रभाषा कहना चाहते हैं, कहते कहते तो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, उसकी मूल जो स्थिति है उसके लिए हमें उसके संवैधानिक जो उसका अस्तित्व है, संविधान प्रदत्त उसके जो स्थितियां हैं उन पर विचार करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 351 सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसे समझे पढ़े जाने बिना हिंदी पर कोई भी बात करेंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो वह बड़ी ऊपरी और अधूरी सी बात होगी। मैं एक बार आप सभी के लिए वह संविधान का अनुच्छेद 351 पढ़कर सुनाता हूँ, जो प्रत्येक हिंदी भाषी के लिए और हिंदी के प्रचारक के लिए, हिंदी के पुरस्कर्ता के लिए, हिंदी के प्रशंसक और हिंदी के कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है जानना। उस अनुच्छेद में लिखा है कि हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और आठवीं सूची में उल्लेखित शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए, तथा जहां तक आवश्यक और वांछनीय है वहां उसके शब्द भंडार को के लिए मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। यह जो एक अनुच्छेद है, इसमें तीन बातें सामने आती है कि आखिर भारत गणराज्य, भारत संघ, जिसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, और हम सब लोग हिंदी प्रेमी,
जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं। इस अनुच्छेद में तीन बातें प्रमुखता से आती है, हिंदी की प्रसार वृद्धि करना, हिंदी का विकास करना और उसकी समृद्धि करना। ये तीनों एक सी चीजें हैं, मिलती जुलती सी भी लगती हैं, लेकिन इन तीनों में थोड़ा अंतर है और उस अंतर को हम समझेंगे तो आज हमें अपनी अपनी भूमिका ध्यान में आएगी। जी बिल्कुल। प्रसार वृद्धि की जहां तक बात है तो यह एक व्यापक क्षेत्रीय चीज होती है और जब भी प्रसार भारती हिंदी के प्रसार वृद्धि की बात आती है तो हमें पहले वे सारे घटक याद आते हैं, वे सारे साधन याद आते हैं, वे सारे प्रयास याद आते हैं जो हिंदी की प्रसार वृद्धि करते हैं। वे हमारे समाचार पत्र हो सकते हैं, वे हमारे आकाशवाणी दूरदर्शन हो सकता है, वे हमारे फिल्मी नायक हो सकते हैं, वे हमारी लता मंगेशकर हो सकती है, मोहम्मद रफी हो सकते हैं, जो हिंदी को विभिन्न माध्यमों से उसका प्रसार करते हैं, उसको व्यापक दूर दूर तक फैलाते हैं। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो किसी भाषा के विकास की बात करते हैं तो वह प्रसार से एक अगला कदम होता है। और यह सारे जो प्रसार और विकास और समृद्धि ये जो बातें हैं ये हमारे अनुच्छेद की बातें हैं, इसलिए मैं भूमिका सुनिश्चित हो विकास भाषा का विशेषकर शैक्षिक संस्थानों पर निर्भर करता है। जो अध्यापक गण है, जो हिंदी को पढ़ाने वाले, हिंदी को हिंदी के माध्यम से साक्षर बनाने वाले, हिंदी के व्याकरण को समझाने वाले, हिंदी की भाषा की विशेषताओं को समझाने वाले, पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, ये सब हिंदी को विकास देते हैं, उसको विकसित करते हैं। तीसरा चरण आता है भाषा की समृद्धि का, और भाषा की समृद्धि साहित्यकार करता है। साहित्यकार सीधे सीधे प्रसार में उतनी भूमिका न निभाता हो, लेकिन भाषा को समृद्ध करने का जो कार्य है, भाषा को नई पदावलियां, नई शब्दावलियां, नई ढंग ढांचा संस्कार और नई अर्थछटाएं देना, इसीलिए भाषा की समृद्धि 1500 साल बाद भी गिनी जाती है। प्रसार उसका तात्कालिक होता है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में होता है, लेकिन भाषा की समृद्धि कोई 1000 साल बाद कालिदास के माध्यम से, कोई शेक्सपियर के माध्यम से, मिल्टन के माध्यम से, तुलसीदास के माध्यम से भाषा को समृद्ध करता है। इसलिए जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में भाषा की स्थिति देखते हैं, आज भाषा के सामने समस्याएं देखते हैं, तो हमें इन तीनों स्तरों पर देखना पड़ेगा। और जब तीनों स्तरों पर देखते हैं तो जो सबसे पहली समस्या मेरे सामने आती है, भाषा के स्वरूप के सामने आती है, तो मैं जो एक नई 21वीं शताब्दी में जो संचार क्रांति और ये माध्यम, जिस माध्यम से आज हम इस भाषा की चर्चा कर रहे हैं, वह माध्यम स्वयं एक, वह साधन स्वयं एक साध्य बनकर हमारे बीच में आ गया। किस तरह आ गया, एक उदाहरण मैं देता हूं। आज मैं कुछ भी चीज टाइप करता हूं तो यदि मैं कुछ अधिक सजग हूं तो मैं हिंदी फॉन्ट में बात करता हूं, लेकिन मेरा एक सामान्य व्यक्ति अगर उसको KAMALA यदि वो टाइप कर रहा है, क्योंकि उसके पास भी फॉन्ट है, तो वो कमला लिखना चाह रहा है, कमाल लिखना चाह रहा है, कामला लिखना चाह रहा है, कमाला लिखना चाह रहा है, तो क्या लिखना चाह रहा है? यानी लिपि की जो एक भाषा जिससे सुरक्षित रहती है, सर्वाधिक भाषा जिससे सुरक्षित रहती है, वह उस भाषा की लिपि होती है। आज जब तक हम उस लिपि को इन कुंजी पटल के माध्यम से, इस कुंजी पटल के माध्यम से जब तक हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते, समझा नहीं पाते, सीख नहीं पाते, सिखा नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते, पहुंचा नहीं पाते, उसकी सर्वस्पर्शिता और सर्वव्यापकता नहीं कर पाते, तब तक हम भाषा के स्वरूप के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमको एक बार की लगता है कि भाषा का बहुत प्रसार हो रहा है, लेकिन वह उसको बूझ रहा है या बुझ रहा है, और जब वह बुझ रहा है, बूझने के स्थान पर जब वह बुझ रहा है, तो वो भाषा भी बुझ रही होती है। भाषा में बूझना और भाषा का बुझ जाना, ये इसके अब वो BHU से हो रहा है या BHU से वो बुझना हो रहा है या बूझना हो रहा है, ये बड़ी समस्याएं हैं। और ये छोटी समस्या इसलिए नहीं है कि वह बेचारा मेरा मित्र नर्मदा प्रसाद कब नर्मदा प्रसाद बन जाता है,
ये उस लिपि के माल से होता है। इसलिए मैं कई बार, आज हमारे मित्र लोग बड़ी चिंता करते हैं, नए नए अंग्रेजी के शब्द आते हैं, लेकिन मुझे बड़ी ज्यादा चिंता भाषा की लिपि की है, भाषा की प्रकृति की है। अब देखिए मैं एक उदाहरण से इसको, और यह प्रश्न जब मैं भाषा की लिपि की बात करता हूं, तो जब हम उर्दू और हिंदी की बात करते हैं तो वह शब्दों से ज्यादा लिपि की समस्या है। भाषा का अपना अस्तित्व लिपि से होता है। मैं इसलिए जब लिपि भ्रष्ट होती है तो उसकी वर्तनी भ्रष्ट होती है, और जब वर्तनी भ्रष्ट होती है भाषा की, तो भाषा इतनी अनुशासन विहीन हो जाती है, भाषा इतनी विकृत हो जाती है कि कालांत, देखिए भाषा और लिपि, भाषा शब्द का मूल अर्थ ही बोलना होता है। बोलने में हम अलग अलग क्षेत्र के स्थानों से क्या है, क्या है, ऐ, क्या है, अलग अलग बोल सकते हैं, लेकिन लिखते समय है के दो मात्राएं लगाते हैं, ऐ की मात्रा लगाते हैं और उसके अनुस्वार लगाते हैं। चाहे वह राजस्थान में है लिख रहा है, ए बोलने वाला क्या है को ए बोलने वाला लिख रहा है, या ठेठ पूर्विया क्या है लिखने वाला भी है ऐसे लिखता है, तो लिपि उसको एक रूपता प्रदान करती है उच्चारण में। इसलिए भाषा शब्द जो भाष धातु बोलने से बनता है उसमें विभिन्नता हो सकती है, लेकिन जब लिपि जो लेखन से जुड़ी है उसमें जब त्रुटि आती है तो उसमें विभिन्नताएं आती है, उसमें जब गलतियां होती है तो भाषा का स्वरूप विकृत होता है, और यह उसकी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब कई बार ये बात हम कहते हैं कि भाषा के शब्द नए नए आ रहे हैं, अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं, आप सही कह रहे हैं सर, आपने बहुत विस्तार में इस विषय को लिया है, और अगर हम इतने विस्तार में जाएंगे तो मुझे लगता है सारे प्रश्न इसी में समझ जाएंगे। मैं आपकी इजाजत चाहूंगी, और हमारे साथ अभी भी हम जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जयपुर महानगर इकाई के समन्वयक, कार्यक्रम के समन्वयक श्रीमान शाकार श्रीवास्तव जी। मैं आपका भी मंच पर स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, और अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर प्रबोध गोविल जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर, और उसके बाद हमारे जब संगीता जी का उद्बोधन होगा फिर हम एक अच्छी गर्मागर्म चर्चा शुरू करेंगे, तो हम समय का भी ध्यान रखते चलेंगे। प्रबोध गोविल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। मैं इंदु शेखर तत्पुरुष जी की बात सुन रहा था, वो बहुत बुनियादी तरीके से हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाए जाने के सवाल पर बोल रहे थे। मैं इससे जरा आगे से बात शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो अभी कुछ हल्का फुल्का सुनने के मूड में होंगे, तो इस दृष्टि से मैं बताऊं कि जब हम एक 28, 29, 30 राज्यों के देश में 4, 5, 6 या 8, 10 राज्यों में प्रचलित भाषा को सारे देश की भाषा बनाने का प्रयास आरंभ किया गया है संविधान के अपनाने के साथ ही, तो हमें कुछ बातों पर थोड़ा सा उदार होना पड़ेगा। हमारे संग दक्षिण के सारे राज्य हैं, यहाँ पर हिंदी को लेकर उनकी अलग तरह की समस्याएं हैं। हमारे साथ पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां की समस्याएं हैं, और बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि मध्य भारत की जो बातें हैं वहां भी, क्योंकि हम एक समन्वयवादी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और वो अपना अपना प्रभाव हिंदी पर छोड़ती हैं, अपने तरीके से छोड़ती हैं, तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब हम हिंदी की बात राष्ट्रभाषा बनाने की ओर करते हैं या राजभाषा के रूप में उसे दर्जा देने की बात करते हैं, तो कुछ एक सवाल लोगों की ओर से सीधे सीधे उठते हैं कि राष्ट्रभाषा तब बनेगी जब हम अपने राष्ट्र की सभी परीक्षाएं इनमें दे सकेंगे, जब हम इनके माध्यम से नौकरियां पा सकेंगे, जब हम प्रवेश पा सकेंगे, प्रवेश परीक्षाएं दे सकेंगे, और ऐसे में फिर लिपि की बात, व्याकरण की बात, साहित्य की बात, मात्राओं, अनुस्वार और बिंदियों की बात, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा अभी तत्पुरुष जी बता रहे थे। तो वो स्थिति आएगी, जरूर आएगी, मैं बहुत इसको लेकर आशा रखता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या है सभी लोगों को इस मुहिम से जुड़ने, और किसी भी मुहिम के आरंभ में यदि हम अंतिम लक्ष्य को दिखाते हुए चलेंगे तो फिर बहुत सारे लोग हमसे विमुख हो जाएंगे, बहुत सारे लोग जो है वो थोड़े थक जाएंगे, वो लोग
अपने विरोध को दर्ज कराने लगेंगे। इसलिए अभी हमें काफी बहुत ज्यादा इन दरियादिली की उदारता की जरूरत है, जैसा हमारी विज्ञापन कर रहे हैं, जैसी हमारा साहित्य कर रहा है, जैसा हमारा मीडिया कर रहा है, जैसे हमारे अखबार कर रहे हैं, वो ऐसी चीज है। और वो बात ये कोई अलग नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग अंग्रेजी के साथ भी देखते हैं कि अंग्रेजी में बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं और इसीलिए अंग्रेजी व्याकरण उनके जवाब अलग अलग तरह से देता है। उसी बात के लिए हम हिंदी में भी तैयार रहे। ये ठीक है कि ये संस्कृत से निकली हुई भाषा है, लेकिन संस्कृत से निकली हुई भाषा को राष्ट्रभाषा बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि वो संस्कृत जब हमारे देश में प्रचलित थी तब वो क्लासेस की भाषा थी, वर्ग की भाषा थी, और अब हम उसे मासेस की भाषा, सब की भाषा, सर्व समाज की भाषा बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें सरलता का ध्यान, सहजता का ध्यान, ग्राह्यता का ध्यान जो है, इससे हम विचलित नहीं हो सकते, ये हमें हमेशा देखना होगा। जी, जब खास करके जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पर रेखांकित की है कि 9 जो राज्य हैं वही तो हैं हिंदी भाषी, बाकी जो राज्य हैं वहां तक हिंदी का पहुंचना और वहां तक समझना, बहुत दूर तक जाना, रास्ता भी बहुत बाकी है। भले ही 65 वर्ष का समय दिया गया था और आज हम 70-71 साल हो गए हैं, लेकिन रास्ता अभी मरता है, आधा भी तय नहीं हुआ है। खैर, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए अब हम आगे बढ़े तो मैं डॉक्टर संगीता सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो संक्षिप्त में अपने मन की बात, यानी कि हिंदी भाषा के विषय में अपनी मन की बात रखें। जी जरूर, बहुत ही गहन चर्चा हो रही है। इंदुशेखर तत्पुरुष जी ने जो संविधान से लेकर सारी चर्चा की वो बहुत ही गहन है। प्रबोध गोविल जी ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया कि हमें पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा चाहिए, कोई विवाद उत्पन्न हो ऐसा नहीं चाहिए। आप संगीता जी, आपका माइक ऑफ है। संगीता जी, आपका माइक ऑफ। हेलो जी, तब ये बात शुरू होने लगे कि भाषा को थोपा नहीं जाना, हिंदी को थोपा नहीं जाना चाहिए हमारे ऊपर। तब यही हुआ कि नहीं, थोपा नहीं जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी जगह है और भाषा वाली जो नीतियां हैं वो अपनी जगह हैं। उसी संविधान में जो हमारी स्थिति है उसी में एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि इसी में एक 8वीं अनुसूची भी दी गई है और उस 8वीं अनुसूची में उस समय 18 भाषाएं रखी गई थी। उन 18 भाषाओं को ये सोच कर रखा गया था कि हमारी भावनात्मक एकता पूरे देश की बनी रहे। बाद में उसमें बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई तो 22 भाषाएं इस समय वहां पर हो गई। तो 22 भाषाओं जो हैं हम उनको अन्य भाषा के रूप में रखा गया, वहां जो शब्द यूज हुआ, उपयोग में आया है वो अन्य भाषा के रूप में आया। तो इस तरह से भाषा जो अपने देश की है वो इस समय 22 भाषाएं हैं और हिंदी भी उनमें शामिल है, हिंदी के तहत। लेकिन उसमें आप देखिए अंग्रेजी का कहीं भी नामो निशान नहीं है और फिर भी हमारे बीच में जो रार मची हुई है, जो एक जंग मची हुई है, वो हिंदी इंग्लिश के बीच में मची हुई है। ये केवल हम भाषा को जो हमारी नीतियां हैं, भाषाई नीतियां हैं, उनको जोड़, भाषाई नीति इसीलिए है कि हमारा देश पूरा एकता में बंधा रहे और हम इसी रास्ते पर आगे चलते रहे। कार्यालयों में भी उपयोग के लिए जो काका क्षेत्र बांटे गए हैं वो इसी दृष्टि से है कि हम का क्षेत्र में पूरा काम हम हिंदी में करेंगे और खास क्षेत्र को भी छूट हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं और गांव को भी छूट दी गई है कि आप अपनी प्रादेशिक भाषाओं में भी कीजिए। इसी तरह पत्र भेजने के भी बहुत सारे नियम हैं। लेकिन जो एक और बात जो मुझे खलती है वो ये कहा जाता है कि जैसे 14 सितंबर आता है कि हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, ये हिंदी का श्राद्ध पक्ष आ गया। जो मुझे अनुभव हुआ बहुत हमारे कार्यालय में जब कार्यक्रम होते हैं तो उसमें यही कहा जाता है हिंदी दिवस क्या मनाना है, हिंदी तो अपनी भाषा है उसका ही दिवस मनाया जा रहा है। अरे हम अपने बच्चों का भी तो बर्थडे मनाते हैं, उनका भी तो जन्मदिवस मनाते हैं और बहुत सारे दिवस जो अंग्रेजी की उत्पत्ति होते चले आ रहे हैं हम लगातार मना रहे हैं। तो इन सब चीजों के करने से जैसे हम कार्यशालाएं करते हैं ऑफिस में, पखवाड़ा मनाते हैं, सप्ताह मनाते हैं या हिंदी दिवस मनाते हैं, इनसे एक ऊर्जा का संचार हो जाता है हमारे अंदर, एक बिल्कुल नयापन आ जाता है, जागृति आती है, लोग पूछते हैं ये क्या हिंदी में लिखना है, अच्छा इसको कैसे लिखना है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से भाषा तो आगे बढ़ती ही रहनी चाहिए और मैं देखती हूँ कि इस समय चाहे युवा पीढ़ी हो हमारी, चाहे बिल्कुल छोटे बच्चे हो या हमारी वयोवृद्ध पीढ़ी हो, सारे के सारे हिंदी से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से। हमारी जो फिल्मों का एक लोकप्रियता बढ़ रही है, हिंदी गीतों की लोकप्रियता बढ़ रही है, वो इसी के कारण है।
और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जो अभी इंदुशेखर जी ने बताई थी कि टंकण में बहुत प्रॉब्लम आती है। जब मैंने अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था उस समय रेमिंगटन की टाइप मशीनें चलती थी और वो ठक 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 करके उससे टाइप किया करते थे। हाँ। तो बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करती थी, अगर कुछ गलत हो गया तो उसको कर दिया। लेकिन आज इतनी समस्या नहीं है, हमारे यहाँ टाइपिस्ट की पोस्ट भी खत्म हो गई, टंकण की पोस्ट भी नहीं है। तो हमें कितना भी लेटर आ जाए हम उसको खुद टाइप कर सकते, कैसे पोल कर। ये तकनीकी का कमाल है कि हम हिंदी को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, और उन्हीं के सेक्शन में दूसरे के अनुभाग में भी हम उसको सिखा देते हैं कि ऐसे आप टाइप कीजिए। तो वो टंकण की समस्या जो थी मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुकी है, अब कार्यालयों में सब अपने आप टाइप करने लग गए हैं। बहुत बढ़िया। और जी आपने जो दो बातें आपकी बहुत अच्छे से नोट की गई है कि एक हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, मैं आपको बता दूं, और हम हमारी जो चर्चा है उसमें सभी शामिल हो रहे हैं। तो ये जो आप कह रही हैं कि हिंदी दिवस के बहाने एक जागरूकता फैल जाती है, हम सभी जन जो हिंदी भाषा के लिए कार्यरत हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है वह भी हिंदीमय होने लगता है। और कुछ जैसे आज मेरा बेटा ही बहुत सारे हिंदी शब्द पूछ रहा था, तो मैं समझ सकती हूँ कि हिंदी दिवस का एक तो लक्ष्य पूरा हो ही रहा है। दूसरी बात आपने बताया है कि, और इंदुशेखर तत्पुरुष जी ने भी इस बात को अंडरलाइन किया कि तकनीक किस प्रकार से तो बाधा बनती है और किस प्रकार से सहायक हो रही है। तो चर्चा का मतलब यही होता है कि हम उसके दोनों पक्ष देखें, और हमें दोनों पक्ष दिख रहे हैं कि तकनीक जहां टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नर्मदा प्रकाश को कुछ और कर देती है, वैसे ही टाइपिंग आज तकनीक ने हमें कितनी मदद की है कि हम वैसे टाइपिंग तक तक वाला जो टाइपिंग है उससे हट के आज हम बड़ी आसानी से टाइप कर पा रहे हैं कि टंकण के लिए जो अलग से पद बनाया गया था उसे भी हटा दिया गया है। तो मैं अगला प्रश्न करना चाहूंगी अब कि आप सभी ने नोटिस किया है, आप सभी ने देखा होगा कि लोक जीवन में और जो हम भाषा प्रयोग करते रहे हैं आज तक, उसमें बहुत सारी लोकोक्ति होती थी, उदाहरण होते थे, मुहावरे होते थे, जो भाषा के निरंतर प्रयोग में आते रही है, जो भाषा हमारी निरंतर प्रयोग में आती रही है। इसको हम जब अगर हम नाम याद रखते हैं तो सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, ज्ञानेश्वर और गुरु नानक, चैतन्य प्रभु, बहुत सारे नाम याद आ जाएंगे जो कि आज से करीब 500,000 साल पहले से, 500-700 साल के आसपास से आते हैं। उस समय जो हिंदी भाषा की समृद्धि की गई या हिंदी भाषा का विकास किया गया, वो जो भाषा इस्तेमाल हुई वही हमारे से पहले वाली पीढ़ी को जो हम अपने बाप, पिताजी, दादाजी, माताजी इनको सुनते रहे हैं, तो वो थी। उसके बाद क्या साहित्य ने संवर्धन करना बंद कर दिया है? इंदुशेखर जी आप इस विषय में क्या कहेंगे? क्या साहित्य पे जो विकास था क्या उसी समय हुआ था, उसके बाद हम सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते जा रहे हैं या गायब होते जा रहे हैं दिन ब दिन? नहीं, ऐसा नहीं है। साहित्य ने निरंतर भाषा को समृद्ध किया है, और उसका प्रमाण यदि हम गद्य देखें, भारतेंदु का गद्य देखें, और फिर उसके बाद भारतेंदु के बाद जब 19वीं शताब्दी के आखिरी में जो गद्य लिखा गया था वो हम देखें, और उस समय के हम जो समाचार पत्र देखें हिंदी के, और फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ के देखें, तो धीरे धीरे उनकी भाषा में एक निरंतर उसकी पदावलियों में, उनकी शब्दावलियों में अंतर मिलेगा आपको। भारतेंदु के समय में जो गद्य लिखा जा रहा था उसमें ब्रज भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव था, और उस गद्य का स्वरूप ऐसा लगता था कि जैसे आप ब्रजभाषा का ही के ये ग्रुप पढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब पूरी तरह से हिंदी परिपक्व हो गई, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेके और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से लेकर जब इन्होंने हिंदी को एक स्वरूप प्रदान किया, इसको आगे बढ़ाया, तो आज बहुत एक रूप हिंदी हमको देखने को मिलती है। और 100 साल पुराने आप कोई लेख देखेंगे तो उसमें एक भाषा में बहुत बड़ा परिवर्तन हमको दिखेगा, क्योंकि हम इस बात को सीधे सीधे महसूस नहीं कर पाते। आप अभी नए मुहावरे देखिए, मुंबईया फिल्मों के कारण कितने मुहावरे हमारी लोक भाषा में आ गई कि लग गई उसकी, तो या कई तरह से रायता फैल गया। अब ये रायता फैलना एक बहुत प्रसिद्ध मुहावरा हो गया, ये मेरी समझ में 100 साल पहले आपको रायता फैलना नहीं मिलेगा हिंदी में, भाषा में नहीं मिलेगा, और अब तो एक फिल्मी गाना भी रायता फैलने को लेकर आया है। अब रायता फैलना एक
ऐसा मुहावरा हो गया है कि ये हिंदी को नया है, ऐसे अनेक है जो निरंतर प्रयोग में आते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको कोई व्यंजना के रूप में कोई भाषा को नया प्रयोग देकर पकड़ता है, जब लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल नई चीज कही है। अब कोरोना को लेकर, कोरोना काल, कोरोना को लेकर कितने मुहावरे बनेंगे, बन रहे हैं, ये धीरे धीरे यदि हम भाषा की प्रकृति में देखें तो नए आते जी। मैं जैसे आप बोल रहे थे तो हमने नोटिस किया कि हम एक समय के जो भाषा थी उसको तो रेखांकित करते हैं, लेकिन उसके बाद जब भाषा विकसित होती चली गई उसके ऊपर क्या हम लोगों ने नोटिस करना बंद कर दिया है या उसके ऊपर समीक्षा होना बाकी है, अभी आलोचनात्मक टिप्पणी आने बाकी है? क्या हम लोगों ने पिछले 50 सालों से, 100 सालों से या पिछले 20 सालों से भाषा के जो विकास पर आलोचनात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी ही नहीं की है? प्रभु जी आप क्या कहेंगे? भाषा के सफर में कभी कुछ बंद नहीं होता है, कुछ रुकता नहीं है। इंदु शेखर जी ठीक कह रहे हैं कि आज नए मुहावरे भी गढ़े जा रहे हैं, नई बातें भी आ रही हैं, और अब जैसे कोरोना का ही उदाहरण आपने लिया, बहुत सारी शब्दावली, जब कंप्यूटर नए नए आए थे तब बहुत सारी ऐसी शब्दावली थी, लोग शुरू शुरू में कहते थे कि क्या हम इसको संगणक कहेंगे, क्या हम फ्लॉपी को क्या कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सारी उन सब के हल निकले और आज वो शब्दावली बहुत अच्छी तरह हिंदी में सब लोग जानते हैं। तो इस तरह का विकास और विस्तार होता रहता है लगातार, जहाँ तक हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि हिंदी फिल्मों से इसका प्रचार प्रसार होता है, वहाँ भी सवाल भी आते हैं और जवाब भी आते हैं। मैं जब मुंबई में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य सचिव हुआ करता था, तो कुछ दक्षिण भारतीय अधिकारियों का सवाल ये रहता था कि हिंदी में एक शब्द को लेकर बहुत सारे शब्द हैं पर्यायवाची, तो इसको ये तो बहुत कठिन है, हम क्या क्या याद करेंगे। वहीं उत्तर भारतीय अधिकारी कहते थे कि ये हिंदी की समृद्धि बताता है, हिंदी की जो है ये कहते हैं ये खूबी है कि उसमें एक शब्द के लिए कई शब्द हैं। तो ये इस तरह की बातें, ये हमको व्यावहारिक तौर पर ही इनके हल निकालने पड़ेंगे और निकाले जा रहे हैं। हिंदी बहुत तेजी से आगे बढ़ी रही है। जब हमारे देश में इंडिया टुडे जैसी पत्रिका कुछ समय चलकर ये महसूस करती है कि अब हिंदी में भी निकालना चाहिए, फिल्म फेयर कुछ दिन हिंदी में, अंग्रेजी में चल के फिर ये तय करता है कि अब हिंदी में भी निकलना चाहिए, तो इसका मतलब यही है कि हिंदी से लोग जुड़ रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। संगीता जी आप इस विषय में क्या कहेंगे? आप तो पिछले 25 सालों से BSNL से जुड़ी हैं, राजभाषा से जुड़ी हुई हैं, और आपके पिताजी भी इसी फील्ड में, इसी क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो आपके पिताजी जिस प्रकार से हिंदी भाषा या राजभाषा के संवर्धन के लिए काम कर रहे थे और आज आप कर रही हैं, क्या अंतर देख पा रही हैं आप? राजभाषा की जो जी अब आइए अब क्लियर हम राजभाषा नीतियों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं का अनुपालन करना अपने कार्यालय में हमारे लिए जरूरी होता है। नीति बिल्कुल स्पष्ट है सर, उनके अनुसार जब भाषा आगे पहुंचती है जो विभाग होते हैं काम क्या होता है निर्भर कहां करता है, और हमारा भी ऐसा विभाग या डाक संगीता जी वहां से नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम आपके पास फिर आएंगे प्रश्न लेके, आप जब पूरे यहाँ पे दिखाई देंगे। साकार श्रीवास्तव जी आप इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, आपका क्या? साकार जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। आप सुनाई आ रही है? हेलो हेलो जी संगीता जी आप अपनी बात कंटिन्यू करना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल करना चाहूंगी, चला गया था नेटवर्क शायद। ये समस्या रहती है जी। मैं कहना चाहूंगी कि कार्यालयों में जो काम है हिंदी का उससे हिंदी काफी आगे बढ़ी है और बढ़ रही है, और जनता से सीधे जुड़े जो विभाग होते हैं जैसे हमारा BSNL है या बैंक होते हैं या LIC है, डाक विभाग है, वहां पर हिंदी का बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है उनको, क्योंकि वो जनता से अगर हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो एक आम उपभोक्ता जो है वो हमसे नहीं जुड़ पाएगा, उसको जोड़ना है तो हमें उसके स्तर पे जाके, उसके भावनात्मक स्तर पे जाके बात करनी होगी, तब वो हमसे जुड़ पाता है, और उसी तरह से हम भाषा का भी उसी के साथ प्रयोग करते हैं। ये कार्यालय में हर कार्यालय में ऐसा ही होता है, और कार्यशालाएं वगैरह भी आयोजित की जाती हैं जिससे हिंदी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। ठीक है
जैसे आपने बताया कि मैंने इसी में से मैं प्रश्न निकालना चाहूंगी, आप बोल रहे हैं कि लोगों से जन संपर्क में हम अगर हिंदी में बात नहीं करेंगे, हम अगर दूसरी भाषा में बात करते तो हम संपर्क नहीं कर पाएंगे, अपनी भावनाओं को संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जन भाषा तो क्षेत्रीय भाषा हो गई, क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा, आप दो विषय मिल तो नहीं रहे। प्रभु जी आप क्या कहते हैं? मेरा कहना यही है कि बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं ऐसी हैं जो हिंदी से मिलती जुलती हैं। इसी बात को लेकर के हिंदी को जब राजभाषा का दर्जा आपने बताया कि 14 सितंबर को दिया गया था, तो यही सोचा गया था कि बहुत सारी भाषाएं जो है हिंदी से समानता रखती हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं ऐसी भी हैं जो समानताएं नहीं रखती हैं, तो उनकी तरफ से समय समय पर इस तरह की कठिनाइयां उठाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि एक समन्वयकारी स्थिति धीरे धीरे इस ओर हमको लानी होगी, जिसके प्रयास जारी है, हो रहे हैं। और खास करके ये बात तब आती है जब हम अपनी परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में हिंदी को मान्यता दिलाने की बात करते हैं। अभी तो फिलहाल हम राजस्थान की बात करें, जहाँ अपनी राजस्थानी भाषा को लेकर के मान्यता की बात हो रही है, तो जहाँ तक भाषा की एक खूबी है कि वो हर थोड़ी थोड़ी दूर बाद बदल जाती है, ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के हर कोने में अलग अलग भाषाएं जो बोली जा रही हैं, वो कैसे एक समन्वयकारी भाषा के रूप में पहले राजस्थानी बने, फिर वो हिंदी से भी जुड़े। तो अगर हम इस राजस्थान के उदाहरण को हम सब जगह देखें, हर राज्य में देखें, मध्य प्रदेश की बुंदेली या उत्तर प्रदेश की ब्रज, अवधि, बिहार की मैथिली, इन सब भाषाओं के साथ वही बात है। और यही मैंने अभी आरंभ में कहा भी था कि इसी का प्रभाव उनकी हिंदी पर भी आता है। बहुत खूब। तो इसके लिए प्रयास जो हो रहे हैं, कॉमन शब्दावलियां बन रही हैं, एक रूपता को लाने की बात हो रही है, ये प्रयास धीरे धीरे जारी रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि हम लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। हाँ, इंदुशेखर जी आप ये देख रहे हैं कि हम हिंदी भाषा के विकास की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो अड़चन आ रही है वो ये आ रही है कि जो जन है, लोक जन है, जन जन की जो भाषा है वो अलग अलग भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, तो क्या ये बाधा के रूप में है? आप क्या कहेंगे, हिंदी के विकास में ये बाधा है? देखिए, पहले तो हम हिंदी की प्रकृति ये समझें कि हिंदी आज और उससे पहले भी मूल रूप से अनेक भारत की बोलियों भाषाओं का संवेद रूप है जी। और हिंदी, गोविंद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और यह सबको मानना होगा कि हिंदी जितनी सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी होगी उतनी ही राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता अर्जित करेगी, ये पहली बात है। तो और यह सब भाषाओं के लिए लागू होता है, इसलिए हिंदी जितनी भी देश की भाषाएं, चाहे वह राजस्थानी है, चाहे वह, और केवल हिंदी अपनी मूल भाषा ही नहीं, जो ब्रज है, जो मैथिली है, जो अवधि है, जो राजस्थानी है, इसके इतर भी जितनी अन्य भाषाओं को अपने आप में समा सकेगी उतनी ही हिंदी अपने आप में राष्ट्रभाषा के रूप में काम आएगी। इसलिए अड़चन केवल यदि हमारे मन में है तो हमारी संकीर्णता के कारण है, चाहे वह राजस्थानी वर्सेज हिंदी की बात करें, चाहे वह मैथिली वर्सेज हिंदी की बात करें, चाहे वह ब्रज वर्सेज हिंदी की बात करें, ये हमारे या तो हमारे पूर्वाग्रह हैं या हमारी संकीर्णताएं हैं या हमारी राजनीति। आप पूर्वाग्रह की बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो सर्व समावेशी बात बोली है ना आपने, तो संगीता जी बता सकती हैं बेहतर कि आप तो वहां पे काम कर रही हैं जहाँ पे वॉक इन है, लोग आ रहे हैं, और आपके यहाँ के जो फॉर्म होते हैं उसकी जो भाषा होती है वो जन सामान्य की समझ में नहीं आ रही है। कितनी फॉर्म भरते हैं जिसमें कि हम पूछते हैं कि ये क्या अधिगम है और ये कौन कौन से शब्द हैं, वो लोग जन के समझ में नहीं आ रही है। तो क्या ये सर्व, क्या सर ने बताया ना सर्व समावेशी, क्या ये सर्व समावेशी हो रहा है? आप कौन सी समस्या महसूस कर रही है, फेस कर रही है, रूबरू हो रही है? जी 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 बिल्कुल। राजभाषा में यही है, जो भाषा यूज की जा रही है वो जन सामान्य की समझ में तो आती है हमारे यहाँ तो। और जैसे हमारे विज्ञापन वगैरह अगर कोई बनते हैं तो उनमें के शब्दों को वैसा का वैसा ले लिया जाता है, जैसे स्कीम है, सिम है, इन सब चीजों का हम अंग्रेजी नहीं किया, उसका हिंदी नहीं कर सकते, उसको हिंदी करेंगे तो जन सामान्य की समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम उन शब्दों को वैसा का वैसा, वैलिडिटी है,
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वैलिडिटी उसकी वैधता होती है, लेकिन वैधता एक आम आदमी के सामने नहीं आएगा। और हमारी राजभाषा नीति भी यही कहती है कि भाषा को सरलता की ओर ले जाए, क्योंकि अगर हम अपनी खिड़कियां खुली नहीं रखेंगे तो हम बंद होके रह जाएंगे। हमें विकास, निरंतर विकास चाहिए अपनी भाषा का, और भाषा का विकास तभी होगा जब हम दूसरी भाषाओं से शब्द लेंगे, स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द लेंगे, और अंग्रेजी के शब्दों को भी हम वैसा का वैसा ले लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भी हमारे शब्दों को कुछ कुछ लेती है। तो जो बहुत ही उपयोग में आ रहे शब्द, जैसे प्लास्टिक, जी जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को तो हम प्लास्टिक ही बोलेंगे ना, उसको हम उसका सुगठ्य अगर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं चल सकेगा वो हिंदी में। बिल्कुल सही, भाषा की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। जी आपने आपने बोला यूज, आपने दो तीन बार मैंने सुना है कि अभी अभी आपने जब बोल रही थी तो यूज वर्ड का इस्तेमाल करी थी, यूज शब्द का इस्तेमाल करी थी, और आपने तो रेखांकित किया वैलिडिटी को, आपने रेखांकित किया प्लास्टिक को। तो आपका कहना है कि जो भाषाएं लोगों के चलन में आ चुकी है उसको वैसे का वैसे लेने में कोई खामी नहीं है। उदाहरणार्थ हम यहाँ पे यूज बोल रहे हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं, काम में लेकर भी बोल सकते हैं, लेकिन जब यूज यूज हो रहा है तो यूज को क्यों नहीं यूज किया जाए। प्रबोध गोविल जी, आप अपने इतनी सारी, आपने 9 तो उपन्यास लिखे हैं, आपने इतनी सारी कहानियां और लघु कथाएं और बच्चों के लिए पुस्तकें, क्या क्या नहीं लिखा, लेखन और सिनेमा लेखन, तो आप भाषाओं को कैसे प्रस्तुत करते हैं? मुझे तो यही लगता है कि जैसे वही सर्वसमावेशी वाली बात साहित्य से ही आती है, न तो वो व्याकरण से उतनी सहजता से आएगी, न वो किसी नियम से आएगी, वो जो है साहित्य की लोकप्रियता से ही आएगी। और जहां तक भाषा की सरलता और कठिनता की बात है, मुझे इस शब्द से मेरा इत्तेफाक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाषा के लिए हम परिचित या अपरिचित होते हैं। आज मैं आपसे कहूँ कि मलयालम तो बहुत कठिन भाषा है, लेकिन मेरे साथ केरल चलिए, वहाँ 4 साल का बच्चा बोलता हुआ मिलेगा मलयालम, तो कठिन कैसे हुई वो, बस सिर्फ यही है कि हमने उसको उससे परिचित बना दिया। तो इस हिंदी को अब संगीता जी जो फॉर्म में जो हिंदी ला रही हैं, उससे भी जिस दिन ये परिचित बना देंगी सबको, वो शब्द आपको आसान लगेंगे। जब हमारे यहाँ साइक्लो स्टाइलिंग के लिए ये शब्द आया था, चक्र मुद्रण, तो लोग हमसे आगे कहते थे चक्र मुद्रण क्या होता है, मैंने कहा साइक्लो स्टाइलिंग क्या होता है, वही ये हिंदी में होता है। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे शब्द तकनीकी रूप से आ रहे हैं, तो हर शब्द को बदलने की जरूरत नहीं है, और उन शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख करके अपना लेने की बात है। हमारी शब्दावलियां भी यही बात कह रही हैं। जी जी, तो इस तरह मुझे लगता है कि भाषा का सवाल हल होता जाए। यहाँ भी समझ में ही आया। जी संगीता जी, हाँ कविता जी, हाँ मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आपकी भी किताब की एक समीक्षा मैंने की थी, आप खुद ही बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, तो उसमें शायद मैंने ये कुछ कहा था कि आपने बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग किया है, लेकिन उसमें वो सहजता से आ रहे थे इसलिए वो चल रहे थे, तो अब साहित्य में भी वो अंग्रेजी के शब्द आने लगे हैं इस जी। और वही मैं बताना चाहूंगी, इसी तरह जो फाइल में हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द आया, मूलभूत आधार, तो हमें उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें हिंदी नहीं आ रही, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, और बाद में हम उसको जाकर शब्द को देखेंगे डिक्शनरी में और वो हमारे उपयोग में आ जाएगा, हम उससे परिचित हो जाएंगे, अगली बार हम वही शब्द लिखेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न, बहुत खूबसूरत प्रश्न उठ रहा है, मैं इंदु शेखर जी से संबोधित करती हूँ। यह प्रश्न यही है, इन्हीं शब्दों से उठ रहा है, और मैंने भी यहाँ पे लिखा था कि हॉस्पिटल को हमने अस्पताल बोला, समझ में आया, ठीक है, चाइना को हमने चीन बोला, रशिया को हमने रूस बोला, यह मैंने प्रबोध गोयल जी की पुस्तक अभी पढ़ी थी, आत्मकथा की पुस्तक, ये तेरे शहर में मेरा शहर, उसमें मैंने ये उदाहरण देखा था कि चाइना को हम चीन बोल रहे हैं, रशिया को हम रूस बोल रहे हैं, ये भी समझ में आया, लेकिन स्थानीय उच्चारण की सहूलियत तो समझ में आ रही है, मगर इन नए शब्द के लिए भाषा विभाग का बैठना और अपनी भाषा में इसके समकक्ष एक नया शब्द गढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है? मानकीकृत हिंदी क्या है और ये भाषा विभाग का नए शब्दों को गढ़ना क्यों जरूरी होता है? नए शब्दों को गढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि उस भाषा के सामने ये बड़ी चुनौती होती है, क्या हमारी भाषा में अपना कोई शब्द है क्या, अन्यथा क्या होगा? देखिए मैं इस बात को मैं वापस गोविल जी के पास ले जा रहा हूँ। गोविल जी ने एक बड़ा संकेत दिया था महत्वपूर्ण, कठिन और सरल कुछ नहीं होता, परिचित अपरिचित होता। आप मैं एक उदाहरण दे उदाहरण लगेगा, गांव गांव में जहां बहुत निरक्षर है वहां भी आपको मिष्ठान्न भंडार मिल जाएगा। अब मिष्ठान्न शब्द लिखने में सरल है क्या? बहुत कठिन है। और बोलने में और स्वीट शब्द सरल है या कठिन है, बताइए? तुलनात्मक रूप से तो कठिन ही है, लेकिन लेकिन मिष्ठान्न शब्द परिचित भी है, प्रचलन में भी है और प्रयास किया गया,
तो कई बार सचिवालय शब्द में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है जी। और सेक्रेटरिएट कठिन, तो दरअसल परिचय, फिर दूसरा होता है प्रचलन, और फिर होता है उसके लिए प्रयास। तो अच्छा, इसमें से एक बार ये बात निकल के आती है, मैंने कुछ शब्द नोट किए थे। ईमेल को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं बताती हूँ, विपत्र। वेबसाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं बताती हूँ, सजाल। और ब्लॉग, ब्लॉग तो हम सभी लिखते हैं, आप क्या बता रहे हैं? संजाल। यहाँ पे मैंने पढ़ा था चिट्ठे, चिट्ठी होती ना चिट्ठे, ठीक है। तो ऐसे ही कई शब्द जिनको कि हिंदी में आया, और मैंने ढूंढा, और मैंने पूछा, मैंने सभी साथियों से पूछा, भाई विपत्र भेज रहे हो मुझे? तो ईमेल सबको समझ में आया, विपत्र नहीं समझ में आया। कहने का मतलब यह है, सौ बात की एक बात यह है कि जो शब्द वेबसाइट है, ईमेल है, ब्लॉग्स है, कोरोना है, अभी हम इसके देख रहे वैक्सीन है, ये सारे शब्द इतने ज्यादा चलन में आ गए, क्या इसके लिए भी नई भाषा, नए शब्द गढ़े जाएंगे? देखिए ये हाँ, ये हमारी हमारी चेतना से निर्भर है। जैसे वैक्सीन के लिए टीका शब्द है, टीकाकरण है। आपको भी एक बड़ी रहस्य की बात बताऊं, आप तो जानती होंगी, आज संस्कृति शब्द, प्रजातंत्र शब्द, लोकतंत्र शब्द हर साक्षर व्यक्ति के मुंह पे है जी। लेकिन जब 19वीं शताब्दी में पहली बार हम कल्चर शब्द से परिचित हुए, डेमोक्रेसी शब्द से हम परिचित हुए, सेक्युलरिज्म शब्द से प्रचलित हुए, तब हमारी हिंदी भाषा में ये शब्द नहीं थे। अब संस्कृति शब्द पूरे 1000 साल की हिंदी में आपको नहीं मिलेगा कहीं, संस्कृत के वेदों या उपनिषदों में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं, आप फिर से ध्यान दीजिए, संस्कृति शब्द 1000 साल की हिंदी में आपको 19वीं शताब्दी से पहले नहीं मिलेगा। जब पहली बार हम कल्चर शब्द से प्रयोग में हमने सुना, तो उस समय भाषाविदों को लगा कि नहीं, भारत में भी इसका हिंदी में कोई अनुवाद होना चाहिए। तो पहले ऐसा कहते हैं, अज्ञे ने इस पर काफी लिखा भी है, कि पहले कृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, फिर बंगाल में ही ऐसा लगा कि नहीं, कृष्टि शब्द से ज्यादा बढ़िया संस्कृति है, आज संस्कृति शब्द को अपना लिया। यदि उस समय हम ऐसा सोचते कि कल्चर ही चलने दो, डेमोक्रेसी चलने दो, तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र तो नए गढ़े हुए शब्द है ना जी। जी, तो ऐसा ये हमारी, मैं यहाँ सोचती हूँ इंदुशेखर जी, मैं सोचती हूँ कल्चर जो शब्द है वो भले ही बाहर से आया था, लेकिन उस समय जब हम तलाशते तो ये हमारे इतिहास में सांस्कृतिक शब्द था, वो ऑलरेडी था, पहले से ही था, विद्यमान था। हिंदी में नहीं था, हिंदी में संस्कृति शब्द का इस रूप में प्रयोग नहीं हुआ। पहली बार 19वीं शताब्दी में बंगाल में इसके लिए कृष्टि शब्द गढ़ा गया, कहते हैं शायद देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसका प्रयोग किया था। कृष्टि भी कल्ट, जो लैटिन की जो कल्ट धातु है उससे कल्चर बनता है, कल्टिवेशन बनता है, एग्रीकल्चर बनता है, और संस्कृति के लिए भी कृष्टि शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया, फिर बाद में संस्कृति शब्द गढ़ा गया, गढ़ा हुआ शब्द। ये हमारे लिए जानकारी वाली बात है। मैं ये मानती थी संस्कृति शब्द हमारे यहाँ सनातन समय से है, थे वेद में मिलता है, या संस्कृति विश्ववारा ये वेद में मिलता है, पर दो चार जगह वेद और उपनिषदों में मिलता है। उसके बाद हिंदी की जो परंपरा जो अवट से और बाद में प्राकृत के बाद से चालू होती है, उसमें संस्कृति शब्द का प्रयोग नहीं। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि जब हम नए शब्द ढूंढ रहे हैं, गढ़ रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि वेदों तक जाना होगा, 1000 साल नहीं, 5000 साल तक जाना होगा, वहां पे कोई शब्द अवेलेबल है, जाना चाहिए, है ना। नहीं तो नए शब्द गढ़ने की क्या आवश्यकता है, या उनको ले लिया जाए। प्रभु दुबल जी, इस बात से हम थोड़ा विषयांतर करते हैं और हम आते हैं कि अभी कंप्यूटर का समय है ना, मैंने ये चीज देखी थी कि इंटरनेट और कंप्यूटर व अन्य उपकरण के हर छोटे छोटे शहरों तक विस्तार ने हिंदी भाषा के विस्तार में महती भूमिका निभाई है। आप क्या कहते हैं कि हिंदी भाषा का विस्तार डीप, बहुत भीतर तक कैसे गया? ये इसमें मैं बल्कि ये कहूंगा कि इसकी सकारात्मकता ये है कि हिंदी की एकरूपता जो है उसको फैलाने में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज जो बात हम किसी एक जगह कहते हैं वही सुदूर दूसरी जगह भी सुनाई दे जाती है, तो वो सोशल मीडिया के कारण, इंटरनेट के कारण, इन सुविधाओं के ही कारण। तो ये तो एक सकारात्मक बात है, और मुझे लगता है कि ये इस बात को हम लगातार इन अपने नए शब्दों को लेकर जो हमारी समस्याएं आती हैं वहां भी हम लागू करें,
तो ये जरूर लागू होगा। कुछ समय पहले एक विश्व हिंदी सम्मेलन में मेरा एक पर्चा पढ़ने के लिए स्वीकृत हुआ था, उसमें मैंने ये विषय उठाया था कि जब वो दक्षिण के अधिकारी मुझसे कहते थे कि हिंदी में एक शब्द के लिए कई कई शब्द हैं, तो मैंने ये सोचा, मैं ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाती कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उन शब्दों को कुछ विशेषणों से बदल दें। जैसे हम पानी कहते हैं, तो पानी के जब हम जल कहते हैं तो हम शुद्ध जल को जल कहें, गंदे पानी को जल न कहें, इस तरह के कुछ प्रयास करें। लेकिन ये प्रयास जो है किसी शब्दावली के रूप में या शब्दकोश के रूप में नहीं, साहित्य के रूप में होंगे तो ज्यादा कारगर होंगे, लोकप्रिय होंगे और लोग इन्हें अपनाएं। जी, आपने ये बहुत अच्छी बात हम दर्शकों को भी बताए हैं, हम दर्शक देख रहे हैं कि हर शब्द का अपना एक प्रयोग है और प्रयोग के अर्थ में वह इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है कि जल जो है अगर शुद्ध है तो ही उसको जल बोला जाए, गंदे को पानी बोला जा सकता है, जल नहीं बोल सकते। बहुत खूबसूरत बात। मैं यहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन की आपने जब यहाँ पे बात करी तो सुनीता जी आप भी विश्व हिंदी सम्मेलनों में भाग ले चुकी हैं, आप ये बताइए कि विश्व हिंदी सम्मेलन का हिंदी प्रचार प्रसार में कितना योगदान रहा, आप वहां जाकर क्या देखी, क्या अनुभव है? जी हाँ, भोपाल वाला मैंने किया था, भोपाल वाले में हम गए थे तो काफी देश विदेश से तो लोग आए थे, और खास बात यह कि जब यहाँ पर हुआ था तो अपने देश के भी बहुत सारे लोग उसमें उन्होंने भाग लिया था, अलग अलग चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही थी, बहुत बढ़िया एक वातावरण वहां पे सृजित हो रखा था जिससे कि भाषा को तो बढ़ावा मिलता ही है। और आप देखिए यही कारण है कि जब आज 108 से भी अधिक देशों में भाषा किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी स्तर पर पढ़ाई जा रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ब्लॉग्स और अपनी जो इंटरनेट की गतिविधियां हैं वो सारी हिंदी के माध्यम से कर रहे हैं। आज ही कहीं मैं देख रही थी कोई जापान की महिला थी, उसने यहाँ पर आकर ही हिंदी सीखी और हिंदी में ही उसने अपना ब्लॉग वगैरह लिखना शुरू किया, और आज उसके बहुत सारे दर्शक और श्रोता बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम ये ऐसे इस तरह के जो विश्व हिंदी सम्मेलन वगैरह कार्यक्रम होते हैं, हमको हिंदी को बढ़ावा तो देते ही हैं, पूरे विश्व के रूप विश्व में हमको जोड़ते हैं, विश्व से जोड़ते हैं। जी जी, प्रबोध गोविल जी, आपने जी। जैसा आपकी मैं पुस्तकों में पढ़ती रही हूँ, आप बहुत समय तक बाहर विदेशों में समय गुजारा है, और आपकी जलतू जलालतू और अकाब मैंने पढ़ी थी, तो विश्व भर में जो आप घूमते रहे हैं, आप एक ग्लोबल ट्रॉटर हैं, है ना, तो आप बाहर जो भारतीय लोग वहां पर जा चुके हैं या पर्यटक के रूप में या फिर वहां बस चुके हैं, क्या वही लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं या वाकई हिंदी जो है विश्ववाणी बनती नजर आती है आपको? बात बिल्कुल सही है कि मूल रूप से तो पहले वही लोग कर रहे हैं जो यहाँ से गए जी, लेकिन इसमें यह है कि अब कई देश ऐसे हैं जहाँ हमारे भारतीय लोगों की तीन तीन चार चार जनरेशन हो गई है, तो जब उनके जो बच्चे हैं जब वो वहाँ सीखते हैं तो जो उनकी मित्र मंडली स्थानीय है वहाँ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे जापान हो, उनकी जो मित्र मंडली है वो भी इसमें रुचि लेती है, जिस तरह हमारे यहाँ कुछ लोग विदेशी भाषाओं में लेते हैं, तो वो लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। अभी हम लोग जब मॉस्को गए थे तो मैंने वहाँ बहुत स्थानीय लोगों को भी देखा जो हिंदी में बहुत रुचि ले रहे थे, हम लोगों से बात कर रहे थे, बातों के मतलब पूछ रहे थे, बातों के मतलब बता रहे थे, तो हमें ये अच्छा लगा कि ये केवल भारतीय नहीं है, इनका ध्यान भारतीय गतिविधियों पर भी गया है। अब हमारी फिल्म, अगर हमारी कोई भारतीय फिल्म चाहे वो दंगल हो, अगर वो चीन में बहुत देखी जाती है तो कुछ चीनी लोग जो है उसकी कलाओं से प्रभावित होकर के भारत के प्रति आकर्षित होते हैं, और फिर वो यहाँ की भाषा के प्रति भी होते हैं, यहाँ के पहनावे के लिए भी होते हैं, यहाँ के शहरों के लिए भी होते हैं। इस तरह ये प्रचार प्रसार होता है, मुझे लगता है कि ग्लोबल होता जा रहा है मामला। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर सिर्फ भारतीय ही नहीं आपस में हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, उनके मित्रगण भी उनसे हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी में कुछ न कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। इंदुशेखर जी, आप जरा ये बताएं कि आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं सम्मिलित की गई उनका कितना विकास हुआ, या जो भाषाएं सूची में नहीं है उनका विकास कितना अवरुद्ध हुआ? आठवीं अनुसूची में शामिल होने से जी भाषा को एक बड़ा राज्याश्रय मिलता है जी, और निश्चित रूप से उस भाषा में साहित्य भी अधिक लिखा जाता है, उसमें पढ़ने पढ़ाने वालों की भी संख्या बढ़ती है, इसलिए ये आठवीं अनुसूची अनेक भाषाओं के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का भी कारण बनती है, और हर भाषा की ये आकांक्षा रहती है
कि वह आठवीं अनुसूची में शामिल है, क्योंकि अब उसको एक संवैधानिक मान्यता मिलती है। संवैधानिक मान्यता जैसे ही मिलती है तो राज्य में उस भाषा भाषियों को कार्य करने के अवसर मिलते हैं। इसलिए यह बात तो ठीक है कि आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए जो भाषाएं शामिल नहीं है वे इसके लिए संघर्ष करती हैं, वे इसके लिए प्रयास करती हैं, और उनकी आकांक्षा रहती है कि वे आठवीं अनुसूची में शामिल हों, तो वह संविधान प्रदत्त बहुत से अधिकारों से युक्त होती है, बहुत से लोगों को लाभ मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाएगा तो कुछ सरकारी नियम बदल जाएंगे और उससे राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास द्रुत गति से होने लगेगा। तो क्या कारण है कि यह राजभाषा ही है, राष्ट्रभाषा नहीं है? इसके विकास के लिए हम इसको राष्ट्रभाषा क्यों नहीं दर्जा देते हैं? देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में जो फर्क है और जिसको आप इंगित कर रही हैं, राष्ट्रभाषा होने के लिए पूरे समूचे राष्ट्र की एक आवाज वो भाषा बने, और वो किसी शासन या सत्ता का काम नहीं है, ये पूरे देश का काम है, पूरे राष्ट्र का काम है। देखिए, आपको एक बड़ी मैं रोचक और लोगों के लिए बात बताऊं कि कई बार हम राष्ट्रभाषा किसके लिए? राष्ट्र के लिए ना। राष्ट्रभाषा हमें वहीं तक उसकी जिद या उसका आग्रह रखना है जब तक राष्ट्र की एकरूपता कायम रहे। हमें राष्ट्र एक चाहिए, राष्ट्रभाषाएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन हम इसका विपरीत नहीं सोच सकते कि राष्ट्रभाषा एक चाहिए, राष्ट्र भले अनेक हो जाए। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं जी। बांग्लादेश क्यों अलग हो गया? केवल एक राष्ट्रभाषा के कारण। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था सन 1947 में, तो उन्होंने पाकिस्तान ने उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाया, और पूर्वी पाकिस्तान यानी जो आज बांग्लादेश है उसको ये कतई स्वीकार नहीं हुआ कि हमारी भाषाई अस्मिता जो बिल्कुल हमारी अंतरंगता से जुड़ी हुई है वो उर्दू हो जाए। और आप देखिए कि और भी कारण रहे होंगे, और भी फैक्टर रहे होंगे, मैं उनको इनकार नहीं करता, मैं उनको गलत नहीं ठहराता, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा फिर बांग्ला रही, बांग्ला उनका गीत। इसलिए राष्ट्रभाषा की बात करते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अक्षुणता हमारे लिए प्रथम है, राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र के लिए है, और विशेषकर भारत जैसे बहुभाषिक विस्तृत विशाल, अब ये छोटे छोटे जर्मनी, इटली, पोलैंड, इस तरह के देशों की तुलना आप तभी, आप श्रीलंका का उदाहरण देखिए। श्रीलंका में जब सिंगली को सिंगल को राष्ट्रभाषा बनाया तो वो जो तमिल की जो समस्या रही आज तक वो गले का नासूर बनी जी जी। इसलिए राष्ट्रभाषा का मुद्दा भी हमको एक इस राष्ट्र की छतरी के अंदर सोचना होगा, और इसके लिए हमें बहुत सारे सवाल हैं, ये इतने आसान नहीं है, लेकिन चूंकि हिंदी संपर्क भाषा है और राजभाषा है तो उसका सम्मान और सर्वसमावेशिता बनी रहनी चाहिए, ये जरूर हम जी। आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि हिंदी पहले सबकी भाषा, एक 135 करोड़ व्यक्ति की संपर्क भाषा बन जाए तो इसे राष्ट्रभाषा बनाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन इसी में से एक प्रश्न जब निकल के आता है, तो संगीता जी, क्या आप अपने जो पिछले जो साल रहे हैं, पिछले जो 6 साल, 25 साल या कितने भी साल रहे, उसमें आपने देखा है कि हिंदी का विरोध कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कहा, कौन से जो भारत का हिस्सा है या कौन से लोगों का हिस्सा है, क्यों कर रहे हैं वो विरोध, क्या विरोध हो रहा है, आप बताएं। हिंदी का विरोध हिंदी भाषी प्रदेशों में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बाधाएं आती हैं हिंदी में काम करने पर। जो विरोध के स्वर उठते हैं वो हमारे दक्षिण भारत की तरफ से उठते हैं, वो इसीलिए कि थोड़ी सी असुरक्षा उनको महसूस होती होगी इसलिए उठता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए पूरे उपाय अपने संविधान में, अपने हिंदी भाषा से संबंधित जो भी अधिनियम वगैरह हैं उनमें किए गए हैं, तो ऐसी असुरक्षा वाली कोई बात नहीं है। वहां पर पूरे इंतजाम के साथ ही हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। वहां पर भी इस तरह की पोस्टें हैं सरकारी विभागों में हिंदी अधिकारी वगैरह की, और वहां भी काम हो रहा है, लेकिन उनके नियम अलग हैं और यहाँ के अलग हैं। समस्या हिंदी के प्रयोग में कोई भी नहीं है, केवल एक हमारे मस्तिष्क की समस्या है कि हम उसको करना नहीं चाहते। आसान, सब कुछ बहुत आसान है। अब कार्यालय में काम कैसे होता है, पीछे देखो आगे चलो,
मैं कहती हूँ कि जब आप एक बार सिर्फ हिंदी में एक पत्र लिख देंगे और अगली बार जब आपको उसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप पीछे देखेंगे और आगे उसको कर लेंगे। अभी क्या हो रहा है, इंग्लिश में चला आ रहा है और उसी को हम दोबारा से दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसी को देख के आगे लिख देते हैं। केवल एक बार समस्या है और गलतियां बहुत। जी यहाँ पे समस्या है, आप तो बहुत आसानी से बोल दिया, आप हिंदी जानती है ना, इसलिए आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि हिंदी एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पीछे देखिए आगे चलिए और पीछे वाले लेटर को देखिए। अगर वही बात एक दक्षिणी व्यक्ति आपको बोलता है कि सर इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप पीछे देखिए आगे लिखिए, आप अंग्रेजी क्यों नहीं लिखती है, ये अंग्रेजी को भाषा बनाइए, तो फिर बात तो वहां पे भी उसकी भी तो महत्वपूर्ण है। हिंदी को लिख चुकी राजभाषा बनाया गया है इसलिए हमको हिंदी का ही उपयोग करना है। और यही तो लड़ाई है, यही तो मुद्दा है लड़ने का कि राजभाषा क्यों आप हमारे को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी एक बहुत बहुल भाषा भाषी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी में ही वो ताकत है मेरे हिसाब से, उसी में वो सामर्थ्य है जी, आप क्या जो पूरे देश को जोड़ सकती है। जी 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 हाँ, प्रबोध गोयल जी आप क्या कहेंगे, क्या ये पॉइंट हम रेखांकित कर सकते हैं कि उन पे थोपी जा रही है, हम अंग्रेजी क्यों नहीं ले सकते। सवाल उठाया जाता है दक्षिण से कि भाषा थोपी ना जाए, लेकिन इसका सही उत्तर ये है मेरे हिसाब से कि जब राजभाषा बनाने की बात हुई थी तो 15 वर्ष का समय दिया गया था और किसी भी भाषा को सीखने के लिए 15 साल की जरूरत नहीं होती। 15 साल इसलिए दिए गए थे कि 1+14 यानी आप किसी के ऊपर हिंदी थोपिए मत, जिस बच्चे को आज पढ़ने भेज रहे हैं उसे हिंदी में पढ़ाइए, तो जब वो ग्रेजुएट होकर निकलेगा तो वो हिंदी जानता होगा, तो थोपने वाली बात तो खत्म हो गई। लेकिन आपने 15 साल तक बच्चे को पढ़ाया नहीं, आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते रहे और अब कहें कि थोप रहे हैं, तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो ये जो थोपने की बात जरूर नहीं है, लेकिन फिर भी जो विरोध की बात है उसके 2-3 कारण है कि हम जिन शब्दों से जिन हथियारों से हम हिंदी के पक्षधर लोग हिंदी को आगे बढ़ाते हैं उन्हीं की आड़ लेकर कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी मातृभाषा की बात कर रहे हैं, तो हमारी मातृभाषा ये है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, तो हमें मातृभाषा की छूट दीजिए। अगर आप संपर्क भाषा की बात कर रहे हैं तो पूरे विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, हमें उसकी छूट दीजिए। तो इन शब्दावलियों से बचकर हमें यही कहकर ये त्रिभाषा फॉर्मूले को अपनाना चाहिए कि एक भाषा हमारे राज्य की है, एक भाषा हमारे देश की हो, एक भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जी। और जहां तक सबको अंग्रेजी पढ़ाने की बात है तो आप ये सभी लोग बाहर नहीं जाते हैं, 1-2% लोग जाते हैं तो वो सीखे, लेकिन जी मैं भाषा सीखे और राज्य भाषा सीखे अपने अपने राज्य। जी मैं क्योंकि चर्चा हमारी बहुत लंबी हो गई, लेकिन मैं एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत खास प्रश्न रह गया था तो मैं आप सभी से पूछती हूँ। इंद्रशेखर जी शुरुआत कर सकते हैं। हम ये चीज देख रहे हैं कि हिंदी भाषा के चहुर्दिक, बहुत अच्छा हिंदी शब्द लिखा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल शब्द था ये, हिंदी भाषा के चहुर्दिक विकास में बाधा अंग्रेजी भाषा क्या मात्र अंग्रेज शासकों द्वारा थोपी गई है? क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है जिसे आज के वैश्विक दौर में अपनाया जाना का विकास के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है? हमारे देश के आर्थिक, सामाजिक और सभी तरह के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा की आवश्यकता है, वो अंग्रेजी हो सकती है या नहीं, या हिंदी हो सकती है? इंद्रशेखर जी देखिए, अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा कोई स्वयं देश तय नहीं कर सकता जी। अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा क्या होगी या क्या होनी चाहिए, ये देशों का समुच्चय करता है जी। हम अपने देश की भाषा तय कर सकते हैं, इसलिए आज चूंकि अंग्रेजी का वर्चस्व है और ये ठीक है कि हिंदी भाषियों की संख्या और आंकड़े बहुत हैं, लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय जो दुभाषीय होते हैं वे अंग्रेजी की प्रमुखता पश्चिमी विश्व की 70 वर्षों तक पश्चिमी देशों के विश्व में साम्राज्यवादी उनकी नीतियों की प्रमुखता रहने के कारण अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही और इसीलिए आज उच्च अध्ययन करने वाला व्यक्ति है वो अंग्रेजी को स्वीकार करता है। लेकिन समस्या यहाँ आती है मानसिकता की कि मैं अपने बच्चे को जो मौलिक शिक्षा है वो अंग्रेजी में क्यों दूं? उच्च अध्ययन के लिए यदि वो विदेशों में जाता है, अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करता है तो जाना चाहिए, उच्च अध्ययन के लिए दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए, अन्य भाषाएं सीखते भी हैं जिसको जिस भाषा में कार्य करना होता है, लेकिन जो मौलिक जरूरत है और वो जो हमारी अंग्रेजी का प्रवृत्ति है, आप देखिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या होगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर को अंग्रेजी में जो अंग्रेज लोग ठाकुर बोल नहीं सकते थे
टैगोर कहते थे, ठाकुर से ठाकुर हुए, फिर ठैकोर हुआ और फिर ठैकोर से टैगोर हुआ, और हम पूरे के पूरे हिंदी भाषी टैगोर कहने लग गए। आज भी पूरे बंगाल में ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर का बोलते हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि उन बंगालियों ने भी जो ठाकुर थे वो अपने नाम के आगे बड़े गर्व से टैगोर लगाने लग गए। तो ये जो ये समस्या भाषा की नहीं है, समस्या मानसिकता की है। आप बताइए टैगोर टैगोर शब्द क्यों कहा जा रहा है और क्यों कहा गया? आज जरूर मैं पिछले कई वर्षों में मैं कोलकाता भी गया हूँ, मेरे कोलकाता के अनेक संस्थानों से मेरा नियमित संपर्क है, बातचीत होती है, वो बताते हैं कि अब लोग वापिस ठाकुर लिखने लगे। अच्छा। तो बात मानसिकता की ज्यादा है भाषा के प्रयोग में। प्रबोध गोयल जी अपने साथ ये है कि हम क्या बहुत मानसिकता की बात तो सबसे बड़ी है ही इसी भाषा में। मैं आपको बताऊं कि मैं जो है अभी कुछ दिन पहले इस समस्या से मुझे वो हुआ कि मैंने सोचा कि मैं केवल यहाँ पे हिंदी ही बोलूंगा, और मेरे सामने दो ऐसे लड़के थे जो ये तय किए बैठे थे कि हम केवल रूसी बोलेंगे, रशियन बोलेंगे। लेकिन अच्छा। कुछ देर बाद हमें टॉयलेट्स की जरूरत पड़ी और हम उनको भी और हमें भी सबको टॉयलेट बोलना पड़ा, और इंग्लिश में पूछ सम्मेलन की बात है वहाँ। तो मैंने ये देखा कि जो इंदु शेखर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा तो आवश्यकता की बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वही वाली बात है कि धीरे धीरे बन जाएगी। लेकिन हमारे 1-2%, मेरा यही कहना है कि 1-2% लोगों के लिए हम 90% लोगों को वो भाषा क्यों पढ़ाएं, कब तक पढ़ाएं। इसीलिए शायद हमारी नई शिक्षा नीति में ये बात कही गई है कि मातृभाषाओं को या क्षेत्रीय भाषाओं को थोड़ा प्राधान्य दिया जाए, और यही बात हिंदी के साथ भी है कि अपने देश की भाषा हिंदी जो है उसको हम यही सोच के अपनी मानसिकता में लाएं, और हम ये सोचें कि हम अपने अपने देश के गौरव को इस भाषा के साथ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी मानसिकता ही हमारी भाषा का सहयोग कर सकती है। हम अगर आज ठान लें कि हिंदी भाषा का प्रयोग करना है और अधिकांश समय हमें हिंदी भाषा के शब्दों का ही इस्तेमाल करना है, हम यूज बोलने के बजाय प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, तो हिंदी भाषा में हम अपना योगदान दे पाएंगे। हिंदी भाषा यह शब्द यह विषय इतना विस्तृत है कि हम 24 घंटा भी अगर चर्चा करें तो यह पूरा इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर इस चर्चा को विराम देना चाहूंगी आप सबकी इजाजत लेकर, कि हम फिर कभी बैठेंगे और हिंदी के समक्ष जो समस्याएं हैं, जो समाधान है, बहुत सारी बातें रहेंगी करने के लिए, वो उनको हम फिर इसको विस्तार देंगे। मगर आज की जो चर्चा रही है उसके लिए और आज के कार्यक्रम के लिए और हमारे दर्शकों के लिए एक धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे जो कार्यक्रम के समन्वयक हैं श्रीमान साकार श्रीवास्तव जी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर, आप अपना उद्बोधन दें। श्रीमान साकार श्रीवास्तव जी आपको स्वागत। नमस्कार कविता जी। नमस्कार, आशा है आपने चर्चा को बहुत आनंद लिया होगा। चर्चा का बिल्कुल तल्लीनता से सुन रहा था मैं जी, और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस अनुष्ठान में भागीदारी के लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार देना चाहूंगा। और सर्वप्रथम मैं परमपिता हम सब में विराजे हुए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनकी कृपा से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मथुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ जी का आभार करना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि जब मैंने ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने पहली बार में उसको स्वीकार कर लिया और बोले हाँ मैं बोलूँगा, हमें और अपना वक्तव्य भी उन्होंने हमें दिया और अपना संबल और हमें प्रदान किया ताकि हम इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अतिथिगणों का, हमारे सम्मानीय अतिथिगण जिन्होंने इतनी सुंदर और सार्थक वार्ता की कि जिसमें लगा कि लोक भाषा से राज्यभाषा, राजभाषा और राजभाषा से राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की यात्रा पूरा उन्होंने वर्णन किया। तो मैं आभार करना चाहूँगा डॉक्टर इंद्रशेखर तत्पुरुष जी का जिन्होंने इतनी सुंदर बात कही, और डॉक्टर प्रबोध गोविल साहब का, डॉक्टर संगीता सक्सेना साहब का, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से सारी बातें बताएं, बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर के।
और बड़ी बौद्धिक और साहित्यिक चर्चाएं चली। ऐसी चर्चाएं भविष्य में चलती रहेंगी क्योंकि ये विषय इतना परिपूर्ण संपूर्ण है कि इस पर एक बार में चर्चा संभव नहीं है। हम आगे भी कभी बैठेंगे जी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कविता मुखर्जी को या मुखर कविता कहूँ इनको क्योंकि मुखर्जी बोलता हूँ तो मुखर्जी हो जाता है वो सब कुछ बदल जाता है इसलिए मुखर कविता जी धन्यवाद चाहूंगा कि वो अपने संचालन मित्र प्रवीण है कि जो संवाद रूपी परिचर्चा करती हैं वो एक व्यावहारिक भी लगती है और मनोरंजक भी हो जाती है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ सिटी लाइव चैनल का जिन्होंने इसको इस कार्यक्रम को सीधे प्रसारण करने की जिम्मेदारी ली। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम या ये बीड़ा उठा करके उन्होंने हिंदी के लिए उन्होंने अपने अनुपम सेवा प्रदान की। विशेष रूप से आभार उन सभी सुधी दर्शकों का, उन्हें सभी सुधी श्रोताओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद उनका सबका आभार। और उन सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी करते रहेंगे ऐसा मैं आपको सबको आश्वस्त करता हूँ, आभार करता हूँ। इस विषय पर मेरी भी कुछ बात अपनी कहना चाहूँगा जी। स्वागत है कि समस्या भी हम हैं और समाधान भी हम हैं। समस्या इस तरह से देखें तो ये कि उदाहरण के लिए अगर हम बैंक ATM जाते हैं और भाषा का विकल्प आता है तो हम पहले क्या चुनते हैं, हिंदी या अंग्रेजी? या जब हम व्हाट्सएप पे मोबाइल पे कोई संदेश लिखना हो तो हम अधिकतर या तो अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हम रोमन में टाइप कर रहे होते हैं। हिंदी लिपि में क्यों नहीं करते हम लोग? क्या हमें हिंदी आती नहीं? जैसा कि पहले भी हमारे सम्माननीय अतिथियों ने कहा कि भाई आती तो है हमें, या हम आती है तो, या हम नहीं आती तो हम सीखना नहीं चाहते, ये हमारी मानसिकता है। हम ऐसे बहुत से लोग जो हैं, जो दर्शक भी हैं और ये जो सम्मान अतिथि जो थे उनमें दादा दादी नाना नानी भी बन रहे होंगे, कि क्या वो अपने पोते पोतियों को, नाते नातिनों को क्या हिंदी कहानियां सुना रहे हैं? हम घर में नहीं सुना रहे। अगर हम सुनाएंगे तो एक तो हम हिंदी के बीज बो रहे हैं अगली पीढ़ी के लिए, और दूसरा हम संस्कार भी डाल रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं संस्कार। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने व्यवहार से ला करके अपने हिंदी का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और नए शब्दों की गणना भी कर सकते हैं। एक जहाँ तक मानसिकता की बात आई, हिंदी की मानसिकता, तो अब स्थिति ये हो गई है कि बहुत से लोग हिंदी को अंग्रेजी से अनुवाद करके बोल रहे हैं जी। उदाहरणार्थ लें, कृष्ण की जगह कृष्णा हो गया है, योग की जगह योगा हो गया है। क्यों भाई? जो असली शब्द कृष्ण है, अब कृष्णा कृष्णा क्यों? कृष्णा तो द्रौपदी को कल कहा था, कृष्ण ने अपना नाम द्रौपदी को दिया था, उन्होंने कहा था कि तुम कृष्णा कहलाओगी, तो बात ही कुछ बदल गई है। तो ये थोड़ी सी ध्यान देने की बात है और हम इसमें कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक और वाक्य जुड़ा कि स्कूल की बच्ची मेरे पास आई, मेरी भतीजी, कि हिंदी दिवस पर उसे एक कविता बोलनी है और सीधे साधे शब्दों में कविता चाहिए थी। तो मैं इसके लिए जो कविता लिखी है मैं आप सबसे इसको बांटना चाहूंगा, शेयर नहीं कहूंगा, बांटना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है आपका। भारत माँ के भाल की बिंदी, भारत का सम्मान है हिंदी। भारत माँ के भाल की बिंदी, भारत का सम्मान है हिंदी। तुलसी मीरा सूर की हिंदी, गंगा यमुना नीर है हिंदी। सरल सुगम भाषा है हिंदी, सरल सुगम भाषा है हिंदी, बोल चाल की भाषा हिंदी। दादा दादी नाना नानी सभी बोलते घर में हिंदी। घर के घर से बाहर शर्म करें तो, माने घर में हम बोल रहे हिंदी लेकिन आप घर से बाहर शर्म करें तो, आपस में सब बोले हिंदी। हम सब यदि हिंदी बोलेंगे आगे तभी बढ़ेगी हिंदी। ये हिंदी के बारे में सर जी, अपना समय पूरा हो रहा है तो बस हो गया। मैं बस सबको आभार दे रहा हूँ, आप सबका आभार। और एक बार मैं माइक द्वारा
उनको दे रहा हूँ कविता मुखर्जी को कार्यक्रम। धन्यवाद साकार जी, आपने वाकई बहुत जरूरी बातों को रेखांकित किया है और हमें रास्ता दिखाया है कि हम किस प्रकार से हिंदी में अपना अपना योगदान डाल सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर संगीता जी का, संगीता सक्सेना जी का, प्रबोध गोविल जी का, साकार श्रीवास्तव जी का, इंदुशेखर तत्पुरुष जी का और सिटी लाइफ का और अखिल भारतीय साहित्य परिषद जयपुर इकाई का और हमारे बीच मौजूद हमारे सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस पर आप हमारे साथ बने रहे, हम फिर आएंगे फिर अन्य किसी विषय को लेकर, फिर किसी अन्य अवसर पर अन्य लोगों से चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगी, नमस्कार, धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.